वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट मींस क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह की होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है स्टूडेंट्स, कुछ थ्री टाइप की होती है बेसिकली, जिसे हम पहला पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड के नाम से जानते हैं, है ना। बट ड्यू टू हमारी चीज़ें डेली टू डेली अपडेट होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग फोर टाइप्स की होती है। मैं बताऊं तो एक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए अब ये जो क्लाउड्स के मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, इसको हम देखें तो पब्लिक क्लाउड में आप देखेंगे कि ये स्केलेबल होता है, रिलायबल होता है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होता है, इजीली मिल जाता है, लोकेशन है। प्राइवेट क्लाउड में ये स्केबल तो है, सिक्योर भी है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। फिर हाइब्रिड क्लाउड में भी ये स्केलेबल है, सिक्योर है एंड फ्लेक्सिबल है। अब क्लाउड क्या होता है तो ये तो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, अब सारे टाइप्स के क्लाउड्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों पब्लिक क्लाउड। क्या होता है पब्लिक क्लाउड देखें। पब्लिक क्लाउड इज एन आईटी मॉडल वेयर ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एंड शेयर विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक क्लाउड में कंप्यूटिंग रिसोर्स अवेलेबल टू एनीवन फॉर परचेस। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो पब्लिक क्लाउड एक आईटी मॉडल है जहां ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे को तीसरे पक्ष के प्रदाता द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है और सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करने वाले कई संगठनों के साथ साझा किया जाता है। सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन को खरीद के लिए किसी को भी उपलब्ध कराती है। अब नाम से क्लियर है बच्चों, पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड जो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस है ना, जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी जगह पे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, उसे पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। अगर हम मैनुअल की बात करें तो रेलवे स्टेशन, इट्स एग्जांपल, आप कोई भी व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन का यूज़ कर सकता है, वहाँ बैठ सकता है, ट्रेन ले सकता है। वैसे पब्लिक क्लाउड्स होती है कि आप ऐसी बहुत सारी पब्लिक साइट्स आती है जिसको आप कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न की साइट, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ परचेस करनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पब्लिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब देखिए पब्लिक क्लाउड का मैं आपको एक ड्रॉ बताऊं तो देखिए पब्लिक मॉडल है ना, जैसे यूज़र वन, यूज़र टू, मल्टीपल यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्लेटफॉर्म को और किसी भी कंप्यूटर सर्विस को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बट स्टूडेंट इसको भी सबको मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्लियर हुआ। देखिए इसको एक और डेफिनेशन से देख लेते हैं, क्यों ड्रॉ से, कि पब्लिक क्लाउड मतलब ये क्लाउड सिक्योर तो है, पर वो IBM ने भी दिया, अमेज़ॉन में भी दिया, एमवेयर में भी दिया और गूगल भी बहुत अच्छा एग्जांपल है पब्लिक क्लाउड का। कोई भी व्यक्ति यहाँ से अपने डेटा को सर्च कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्राइवेट क्लाउड। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेट क्लाउड, तो प्राइवेट क्लाउड ऑल्सो नोन एज अ इंटरनल क्लाउड और कॉरपोरेट क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इन विच ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स आर डेडिकेट एग्जीक्यूटली टू एंड एक्सेस ओनली अ सिंगल कस्टमर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, निजी क्लाउड आंतरिक क्लाउड या कॉरपोरेट क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है। एक क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण है जिसमें सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन विशेष रूप से समर्पित होते और केवल एक ग्राहक द्वारा ही पहुंचने योग्य होते। अब बच्चों मैं शॉर्ट में बताऊं कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, तो प्राइवेट क्लाउड मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनीज जो क्या करती है, प्राइवेट क्लासिक क्लाउड पे काम करती है और वो अपने ही एम्प्लॉय को एज अ प्राइवेटली क्या करती है, यूज़ करती है, कि कोई कंपनी का मटेरियल या कोई कंपनी के रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ वहाँ का एम्प्लॉय ही क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, अदर लोगों के लिए यूजेस नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्राइवेट क्लाउड के नाम से जानते हैं। किसी कोई इंटरप्राइजेज है, उसका खुद का सॉफ्टवेयर है या उसका हार्डवेयर है, तो वो सिर्फ वहीं के लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम ऑन परमिशन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, परमिशन देते हैं, वही व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइवेट क्लाउड के नाम से
जानते हैं। अब देखिए प्राइवेट क्लाउड कैसे, तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिक्योरिटी है। अब इसमें सिर्फ वही व्यक्ति यूज़ करेगा जिसको उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड पता हो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। हाइब्रिड क्लाउड देखे, हाइब्रिड क्लाउड रिफर्स टू द मिक्स्ड कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड सर्विस इन्वायरमेंट मेड अप ऑन परमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट क्लाउड सर्विस ऑन अ पब्लिक क्लाउड सच एज अमेजॉन वेब सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट अजूर विथ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द वेरियस प्लेटफॉर्म। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो हाइब्रिड क्लाउड एक निश्चित कंप्यूटिंग स्टोरेज और सेवाओं के वातावरण को संदर्भित करता है जो ऑन प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर जी क्लाउड सेवा या सार्वजनिक क्लाउड से बना होता है, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस है ना, AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच आर्केस्ट्रेशन के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है स्टूडेंट। तो एक ऐसा क्लाउड जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज़ें क्या होती है, मिलती है, उसे हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपका होता है हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर? अब देखिए मैं इसको ड्रॉ से बताऊँ तो देखिए पब्लिक क्लाउड है ना और प्राइवेट क्लाउड, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी वेबसाइट जिसे एज अ प्राइवेट और एज अ पब्लिक दोनों तरीके से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ, हमारा बात करूँ तो रेलवे, अपन जब रेलवे की टिकट बुक करते हैं है ना, तो हम क्या करते हैं, आप एज अ पब्लिक हमें किसी चीज़ की सीट अवेलेबल या चीज़ें करनी हो तो एज अ पब्लिक हम उसे यूज़ कर सकते हैं रेलवे की वेबसाइट पे है ना। और ऐसे भी प्राइवेटली कैसे, वहाँ के जो वर्कर्स है वही तो बताते हैं कि यहाँ पे ये सीट खाली है, ये यहाँ से ये ट्रेन चलेगी, तो उस साइट्स को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं बच्चों, एज अ पब्लिक और एज अ प्राइवेट। तो ये काय में आता है, हाइब्रिड क्लाउड में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, देखें अ कम्युनिटी क्लाउड इज अ कंप्यूटिंग इज अ कोलोबरेटिव इफेक्ट इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बिटवीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी विथ कॉमन कंसर्न वेदर मैनेज इट इंटरनली और बाय अ थर्ड पार्टी ऑन होस्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली। हिंदी में देखें तो कंप्यूटिंग में एक सामुदायिक क्लाउड का एक सहयोग प्रयास है जिसमें एक विशिष्ट समुदाय के कई संगठनों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा किया जाता है, चाहे आंतरिक रूप से या किसी तीसरे पक्ष के प्रतिबंधित किया जाता है या आंतरिक या बाहरी रूप से होस्ट किया जाता है। क्या होता है बच्चों कम्युनिटी क्लाउड, तो एक ऐसा क्लाउड जिसमें क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटरप्राइज एक ही जगह पे काम करती है। सपोज़ मान लो एक ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है या एक ऐसी क्लाउड सर्विस है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे इंटरप्राइजेज एक ही साथ क्या करते, वर्क करते, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। अगर इसमें देखें तो अमेज़ॉन पे एग्जांपल बहुत अच्छा है, अमेज़ॉन एक साइड है, उस पर बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, कम्युनिटी प्रोवाइड करते, सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो वो क्या होता है बच्चों आपका, वो कम्युनिटी क्लाउड में आता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट अच्छे से? चलिए इसको एक ड्रॉ देखें तो देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको थर्ड पार्टी मतलब प्राइवेट क्लाउड, एज अ पब्लिक क्लाउड और एज अ मल्टीपल यूज़र, मतलब एक चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं बच्चों, तो उसे हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं बच्चों, तो वो आपका क्लाउड होता है कम्युनिटी क्लाउड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। अब क्या होती है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, तो देखिए ज़रा हम, मैं आपको इसको एक ड्रॉ के रूप में बता रही हूँ। देखिए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में तीन तरह की सर्विसेज होती है जिसे हम SaaS, PaaS और IaaS मतलब SaaS, PaaS, IaaS के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको बताऊँ तो ये एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ये किसी भी चीज़ एप्लीकेशन को डेवलप करता है और ये एंड यूज़र है मतलब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे सर्विस स्टोरेज नेटवर्क, ये किसी भी सर्विस को यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस मैनेजमेंट या पैकेज सॉफ्टवेयर OS एंड एप्लीकेशन
स्टैक सर्विस स्टोरेज नेटवर्क। तो ये भी क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या होती है सर्विसेज। बेसिकली अगर इन शॉर्ट में हम आपको बात करें तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, जिसे हम आस पास सास के नाम से जानते हैं। आस जो होता है वो एक को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, पास जो होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को डेवलप करता है, और जो सास होता है बच्चों वो एंड यूज़र होता है, मतलब किसी भी चीज़ को वो क्या करता है, यूज़ करता है। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसको वन बाय वन एक एक करके क्या करते हैं समझते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो देखें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड डिलीवरी मॉडल इन विच सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंड इन सेंट्रली होस्टेड। इट इज समटाइम रिफर्स टू एज अ ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर and was formerly referred as a software pulse services by Microsoft। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर हम, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस या डिलीवरी मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर की सदस्यता के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है और इसे केंद्रीय रूप से होस्ट किया जाता है। इसे कभी कभी ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सॉफ्टवेयर प्लस सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है स्टूडेंट? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर जिसे हम डिलीवरी करते हैं, है ना, विच सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू सब्सक्राइब बेस्ड ऑफ सेंट्रली होस्टेड, जो क्या करा जाता है सेंटर से होस्टेड किया जाता है पर थ्रू द इंटरनेट सब लोग उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द वे ऑफ डिलीवरी सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को क्या कर सकता, यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ बताया है सास, जिस सास का जैसे इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बहुत सारी चीज़ों के टाइप के सॉफ्टवेयर है, उसे थ्रू द इंटरनेट कोई भी व्यक्ति कहीं भी यूज़ करके डेटाबेस से एप्लीकेशंस के थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज से उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्या है हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सास, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज देखें कॉस्ट इफेक्टिव, हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, स्केलेबल एंड एक्सेसिबल, इजीली कहीं भी किसी भी जगह आप एक्सेस करते हो, है ना। कंप्यूटेबिलिटी इश्यूज, कोई भी चीज़ हमें अपने सिस्टम में डालनी नहीं पड़ती है, हम ऑनलाइन ही उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी मतलब आपको कोई चीज़ अपने सिस्टम में डालना ही नहीं है तो सिक्योरिटी का इशू ही नहीं होता है, आप जस्ट उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। हाई अडॉप्टेबिलिटी, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फ्री ट्रायल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको फ्रीली क्या मिल जाती है, यूज़ करने को मिल जाती है। इन शॉर्ट वर्ड में बताएं स्टूडेंट, तो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, ठीक है, उसको आपके अपने खुद के सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विसेज इन क्लाउड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देखे ज़रा हम। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर डिलीवरीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट। यूजली दीज टूल्स आर नीडेड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अ पास प्रोवाइडर होस्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म PSAS एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है। यहाँ पर तृतीय पक्ष प्रतिपादन इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण वितरित करता है। आमतौर पर इन उपकरणों की आवश्यकता अनुप्रयोग विकास के लिए की जाती है। एक पास द्वारा हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया जाता है। मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का थर्ड पार्टी मॉडल है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, किसी भी एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। देखिए इसको एक ड्रॉ के थ्रू देखिए, तो देखिए इसमें ऐसा है कि आप ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हो, किसी भी कस्टमर का यूज़ कर सकते हो, क्लाउड का यूज़ कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड, जहाँ पे आप अपने खुद की चीज़ों को, अपने खुद के सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आपका टाइप्स होता है, नेक्स्ट आपका है पास का प्रोवाइडर, कि पास आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे बात करें तो हाँ, गूगल ऐप इंजन है, Salesforce.com है, विंडोज़ Azure है, F4 है, ओपन शिफ्ट है ना, क्लाउड फाउंडर फ्रॉम VMware है ना, जिसके थ्रू आप ऐसी ये बहुत सारी सर्विसेज हमें दे रहा है स्टूडेंट, जिसको हम अपने क्लाउड पे कहीं भी इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल ऐप इंजन, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो इसमें, Salesforce.com मतलब कोई भी चीज़ सेल आउट कर सकते हो। ऐसे ये कुछ नाम आपको नए लग रहे होंगे स्टूडेंट, पर ये सारी चीज़ें आपको क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को यूज कर सकते हो। अब इसके भी वही एडवांटेजेस होंगे, जैसे कॉस्ट को यूज करना, होस्ट इफेक्टिव है, सिक्योरिटी है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो देखिए जरा हम ISS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देखते हैं हम। तो क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इज अ सिस्टम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट डिलीवर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। आज इज वन ऑफ द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, टूगेदर विद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें तो, एक सेवा के रूप में अवसारण आज क्लाउड कंप्यूटिंग की एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधनों को वितरित करती है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की तीन मुख्य प्रणालियों में से एक है, जिसमें एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म शामिल है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होती है, तो देखिए मैं समझाऊँ आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ सिस्टम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम है जो वर्चुअलाइज चीज़ों को क्या करती है, यूज़ करती है थ्रू द इंटरनेट, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, आज के नाम से जानते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो जिसको हम एज अ आज को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को हम हार्डवेयर एज अ सर्विस के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए आज आपको इतनी सारी चीज़ें, मतलब आप ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हो, विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो, वर्चुअली डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हो, डेटा सेंटर में क्या कर सकते हो, डेटा को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि आज क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ आज। आज की क्या एडवांटेज है, तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेंसिव एंड स्टाफ इंटेंसिव डेटा सेंटर। मतलब एक्सपेंसिव ये क्या होती है, थोड़ी ये एलिमेंट एक्सपेंसिव नहीं होती है, कहीं भी बहुत सारे लोग इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ईजी हार्डवेयर को आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ऑन डिमांड पेज ए स्किल, डिमांड के अकॉर्डिंग आप डेटा पे कर सकते हो, रिड्यूस टाइम को भी रिड्यूस करती है, ठीक है। टेस्ट इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ भी इसकी मदद से क्या होती है बच्चों, ईजीली मैनेज हो जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो ये आपका होता है एडवांटेजेस ऑफ आस। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखिए पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्ट सेविंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, कॉस्ट को सेव करती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी से यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं,
है ना, 24/7 अवेलेबल, मतलब कभी भी कहीं भी 2400 में अपन कहीं भी यूज़ कर सकते, रिलायबल होती है, इजीली चेंज हो जाती है, स्केलेबल होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेशन है, आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ईजी बैकअप एंड रीस्टोर, आप बैकअप भी बहुत ईजीली रख सकते हो, डेटा को ईजीली रीस्टोर कर सकते हो, कॉस्ट को सेव करती है, ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज, कहीं भी कभी भी जगह आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, और वो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज क्या करती है बच्चों, प्रोवाइड करती है। तो ये उसके कुछ क्या हैं बच्चों, एडवांटेजेस है किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हर चीज़ के बच्चों कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो क्लाउड के डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी इशू, हमने आपको पहले भी कहा था कि इसका सिक्योरिटी इशू होता है ना, हर व्यक्ति क्लाउड पे अपना अपनी चीज़ों को सेटअप नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पे उसे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट इशू, इतना सारा डेटा को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। परफॉर्मेंस इशू, हर टाइम में हर तरह का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है ना। माइग्रेशन, मतलब हर व्यक्ति हर टाइप का डेटा क्या स्टोर या यूज़ नहीं कर सकता। तो ये क्या थे बच्चों, आपके डिसएडवांटेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग के। कुछ और भी डिसएडवांटेज है, जैसे टेक्निकल इश्यूज आता है, इंटरनेट नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, लोअर कम इंटरनेट होता है तो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को सपोर्टिव नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ डिसएडवांटेज थे। क्लियर हुआ? ओके, चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स और उसके सर्विसेज के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।